और जो आवाज़ आई थी वो हमें यहाँ से आई थी गाइस। तो अलर्ट रहो, किसी चीज की आवाज पता नहीं लगी, लेकिन काफी दूर से आ रही है। हलचल की आवाज भी आई है, कुछ आवाज भी आई है जानवर की। बाकी चलना नहीं चाहिए, खाई है ना ये? हाँ, ये पूरी खाई है, ये पता नहीं लग रही है। क्या हुआ, पत्थर मार कुछ है तो लग रहा है तो? क्या हुआ, कुछ चमका थे आंखें? डंडा उठा, चक्कू उठा, डंडा उठा, डंडा उठा, भैया बाकी ओ देख देख ओ यू ओ गया भाई था। अब ये पता लगा भाई क्या था, लेपर्ड था या लोमड़ी था भाई, पता नहीं लगा। लेकिन स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आपने देख लिया होगा पूरी लोड है अपनी ऑल्टो, और जिनके साथ हम जा रहे हैं वो भी आप नए चेहरे हैं आज कुछ। और ये देख सकते हो आप आर्यन भाई अपने प्यार में, और एक नया चेहरा है, उनको बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। और मिलते हैं तब तक लोकेशन में। और आज तगड़ी वाली ग्रुप कैंपिंग होगी, जिसमें एडवेंचर बहुत सारा मिलेगा आपको, भर भर के एडवेंचर होगा आज। तो मिलते हैं सीधा लोकेशन पे। फाइनली गाइस अपनी कैंपिंग लोकेशन में पहुंच चुके हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हो, आपने देखी होगी पहले मेरी वीडियो में। और आप लोग कह रहे होंगे कि बहुत दिनों बाद आप वीडियो बना रहे हो यूट्यूब में, तो सॉरी गाइस, क्योंकि कुछ अपना पर्सनल रीज़न होता है और कुछ अपनी कैंपिंग लोकेशन ये है। तो भाई लोग लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, तो थोड़ी भाई लोग की हेल्प कराता हूँ मैं भी लकड़ियाँ इकट्ठा करने में। और सनसेट पूरा हो चुका है, देख सकते हो गाइस, थोड़ा कोहरा सा है। और चलो लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी को, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों लकड़ियाँ वगैरह हमने इकट्ठी कर दी है, और सनसेट हो चुका है पूरा, और ये अपनी कार है कुछ। और सबसे मेन बात है, आर्यन भाई ने लगाया है नया टेंट, कार रूफ टॉप टेंट है, एडवेंचर हट नाम से। अगर तो फाइनली गए
गाइस लोकेशन में अपनी पहुंच चुके हैं। तो पीछे आप बैक में देख रहे होंगे आप भी फॉरेस्ट और थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो फटाफट अपने टेंट पिच करते हैं। तो दोस्तों ये अपना कुछ टेंट है, अभी दिख नहीं रहा होगा, ये कुछ ऐसा टेंट है अपना और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अब जब लाइट वाइट लगा देंगे हम उसके बाद आपको रोशनी दिखेगी जरा टेंट वगैरह। तो ये बाकी दोस्तों अपने सेटअप बढ़िया लग चुका है, बाकी कुछ बनाते हैं। भाई कह रहे कि कुछ पीने के लिए बनाते हैं, क्यों भाई? यस तो और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, अंधेरे की टाइम की बात करूँ, टाइम क्या हो रहा है हार्दिक भाई? 8:30 हो चुका है भाई, 8:30 का टाइम हो चुका है और थोड़ी सी आग वाग जलाने में इन चीज़ों में थोड़ा सा देखने दागने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बाकी फर्स्ट टाइम अपना कारू टॉप टेंट भाई लोगों ने देखा है तो उसमें अंदर बढ़ के फील ले रहे थे कि भाई कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। बाकी कैसा लगा भाई टेंट अंदर से? बहुत बढ़िया भाई, मजा आया, आनंद, नींद आएगी, बहुत अच्छी घर की तरह नींद आएगी, बिल्कुल भाई। चलो बाकी इनसे जो इसका रिव्यू ना अंदर जब लेटेंगे ना तब पता करेंगे इसका रिव्यू क्या, दोनों भाई बताएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम दोनों के लिए न्यू है ये। बाकी फटाफट से कुछ बनाते हैं आप। पानी दो जी, तो फटाफट से कुछ बनाते हैं। पानी अपना जा चुका है, अब इसमें डालते हैं अपने वही अपना जो मटेरियल होता है ना उसी को डालते हैं। भाई कॉफ़ी बन चुकी है अपनी और गैस को करते बंद, ठीक है जी, और डालते हैं इसको थोड़ा ठंड होने देते हैं और जो वो है ना वो बैठ जाएगा नीचे फिर डालते हैं। क्यों जो कॉफ़ी अपनी बन चुकी है, लो भाई एंजॉय करो। थैंक यू, चीयर्स, यस चीयर्स गाइस। पियो भाई, पी के बताओ कैसी बनी है। बोलते ना इसमें घर का जैसा स्वाद आ रहा है, इसमें घर का मसाला है ना सारा, इसमें कॉफी भी आ गई, शुगर आ गई और आपका खड़े मसाले हो गए, अच्छा एक बात है, अच्छा काम करेगी ठंड में। हाँ ये पता है सुबह सुबह जैसे ज्यादा ठंड होती है ना तब पी लो तो अंदर हमेशा गर्मी बनाए रखेगा ये बॉडी के अंदर, खांसी वासी हो रहा हो वैसे। हाँ अपनी बॉनफायर भी जल रही है यहाँ पे बहुत अच्छे, बढ़िया से बॉनफायर जल रही है, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों अपना भाई सेटअप लग चुका है, कॉफी जो पी कैसे लगे भाई? बढ़िया एकदम, गलत हुआ जो बोलते ना घर का काढ़ा, उससे मतलब जो गले की वो जो नली होती है ना वो साफ हो जाती है बढ़िया तरीके से। बाकी ले भाई आलू छील, ठीक है ये लो, इसको चलाते भाई आलू, भाई के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं अब तो हम कर लेते हैं चॉपिंग, बाकी आप इधर उधर निगाह मारो। गाइस भाई टॉर्च देना क्योंकि चारों तरफ देखना भी बनता है। हाँ इसको टॉर्च दे दो और हम करते चॉपिंग। ग्रुप कैंपिंग में यही थोड़ा सा सही है, डर कम लगता है, क्यों? बाकी तो बॉडी बिल्डर बैठे, बाकी तो हमारा पहलवान बैठा भाई कह रहा है कि अगर आ गए ना भाई गर्दन ऐसे दाब दूंगा उसकी। भाई अलर्ट रहो, किसी चीज की आवाज पता नहीं लगी लेकिन काफी दूर से आ रही है, हलचल की आवाज भी आई है, कुछ आवाज भी आई जानवर की,
बाकी नीचे से आती खाई की तरफ से शॉपिंग कर लेते हैं आज या जल्दी। यही था जब तेरे साथ कैंपिंग की थी, ऐसी देख रहा था भाई तू जब लेपर्ड आया था 7:30 बजे। गाइस लेपर्ड आया था, अब मैं इसके साथ मजे ले रहा था कि चल 7:30 बजे लेपर्ड आ रहा है यहाँ, समझ रहे हो। अब वो रियल में था भाई, हो गया रखो रखो। आलू तो भाई ने छील लिया है, बाकी हम प्याज काट लेते हैं। अपनी प्याज काट लेते हैं, खाने के बाद कैसा लगा आपको? अपना तो पुराना ही है, अपना तो कोई वो ही नहीं है कि कोई दिक्कत होगी या कुछ होगी। अपने तो एडवेंचर करते रहते हैं भाई, लेपर्ड ये चीज दिखते भी रहते हैं। तो आज मिस कर रहे हैं अपने फौजी भाई को, फौजी भाई अभी यहाँ पे है नहीं, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। अपनी नई ग्रुप कैंपिंग हो रही है, फौजी भाई को भी जल्दी इनवाइट करेंगे इन खूबसूरत वादियों में। हाँ तो हमारे बीच एक नया शख्स भी जुड़े हैं जो आर्यन भाई के सब्सक्राइबर हैं, बस यो नेम मुझे रोशन कहाँ के रहने वाले? ओके नोएडा के रहने वाले हैं, नोएडा के। कहाँ के रहने वाला भाई? नोएडा। ओके तो आओ रोशन भाई बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? ठीक ठीक ही है। जितना जंगल देखो गाइस, जितना जंगल दिन में अच्छा लगता है उतना रात को डरावना लगता है, बहुत ज्यादा। बाकी अपनी चॉपिंग हो चुकी है और बाकी हम लोग बकवास आपस में कर चुके हैं और जंगली जानवर भी अपनी बकवासें कर रहे हैं जो हमारे कानों तक आवाजें आ रही है। क्यों? और एक बार मैं मुआयना कर लेता हूँ भाई, वो करना बहुत जरूरी है क्योंकि यार भाई लोग तो कर रहे हैं लेकिन अपना भी बनता है मुआयना करना भाई। खाना नहीं चाहिए, खाई है ना ये? हाँ ये पूरी खाई है, जो पता नहीं लग रही है क्या हुआ, पत्थर मार कुछ है तो लग रहा है तो क्या हुआ, कुछ चमका थे आंखें? डंडा उठा चक्कू उठा डंडा उठा डंडा उठा कुछ लगा था क्या? अरे कुछ दिख नहीं होगा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा जानवर होगा भाई, मतलब पहले भी हल चला रही थी ना, आ जाओ आ जाओ क्योंकि देखो मेन गाइस आग है। हाँ तो आपको भी आग तेज कर ले, आपको तेज कर ले, हलचल होती रहेगी बहुत ज़्यादा। क्यों आग तेज कर ले, हो गई। चलो अपना कुकर निकालो आप, शॉपिंग अपनी हो चुकी है और अब बारी अपना खाना बनाने की भाई, बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। रियली बताऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर से भी कुछ ना कुछ हलचल हो रही थी, जैसे भाई ने बताया कुछ चमका था आँखें इसको, पत्थर से मारा हमने फेंक के, बाकी पीछे ऐसा लगा एकदम जैसे पीछे की साइड गया। क्यों? हाँ भाई चलो कोई नहीं देखेंगे, 3 जने हैं थोड़ा रिस्क कम है। अगर 2 होते ना भाई, अगर कुछ ऐसा सीन होता ना तो गाड़ी के अंदर ऊपर चले जाते टेंट में, चाहे भूखा सोना पड़ता, रिस्क नहीं लेना है। तो दोस्तों ऐसा कुछ जंगल है, देख सकते हो आप, पूरा अंधेरा है और जो आवाज आई थी वो हमें यहाँ से आई थी गाइस। तो यहाँ पे आर्यन भाई कुकिंग कर रहे हैं अपनी, ये अपना कार रूफ टॉप टेंट, इसका रिव्यू हम मॉर्निंग में देंगे कैसा लगा है। तो
चलिए गाइस फटाफट अपना डिनर बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और डालते हैं भाई इसमें प्याज, और ये है अपनी सोयाबीन की बरी। सारी वेजिटेबल्स डाल दिए भाई बनने के लिए, और बढ़िया तरीके से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना सोयाबीन बरी आलू ये चीज़, तो मज़ा खड़ा हो जाएगा फिर इसमें भाई खाने में। देखो भाई मुआना कर ले, हार्दिक खड़ो का मुआना कर। क्योंकि मुआना करना बहुत ज़रूरी है अगर खाना बन रहा है तो। ये देखो क्या बात है, ये देखो क्या बात है, ऐसा लग रहा है ऐसे ही खा लूँ इसको तो मैं। सही बताऊँ अब डालते हैं इसमें अपने चावल, ठीक है जी। तो गाइस मैं करता हूँ जंगल का मुआयना थोड़ा, क्योंकि अभी हमारे कैमरे बंद थे तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, पता नहीं किस चीज़ की थी। नहीं भाई कौन सा भी जानवर था पर वो काफ़ी करीब था, पर हमारी बोन फायर जल रही है तो वो थोड़ा दूर है हमसे। बाकी चावल डल गए हैं दोस्तों, अभी हम अपने राइस के ऊपर डाल रहे हैं पानी, देख सकते होंगे आप राइस। अरे गैस बंद हो गई, गैस बुझ चुकी है, क्योंकि पानी डाल के सब चीज़ बुझ जाता है, तो गैस क्या चीज़ है। क्यों भाई गैस बुझ गई। ये क्या हो गया गाइस, मोई मोई हो गया, और देखते हैं यार जलती है नहीं जलती, ये तो बड़ी दिक्कत। क्योंकि जो इसमें होल रहते हैं ना गैस, पानी चला जाता है। हाँ। तो पानी जाने से क्या होता है सीधे बंद हो जाता है। बाकी हमने पानी इसमें डाल दिया अच्छे से चावलों में, और जो आर्यन भाई अभी डिनर बना रहे हैं वो देख के लजीज लग रहा है। मुँह में पानी आ रहा है ना। हाँ, हाँ। ले वो बता नमक लो। ज्यादा डाल लो, अच्छा डालना है ना, डालना है, ज्यादा नहीं है डालना है, थोड़ा और डालना है। आर्यन भाई डाल, कोई नहीं, जोक सपाट मस्ती हम तीनों भाइयों के बीच चलती रहेगी, और बाद में देख लेंगे यानी थोड़ा डालते हैं और बाद में देखेंगे इसका भी, क्योंकि कम हो जाएगा चल जाएगा। yes. अगर ज्यादा हो गया ना तब नहीं चलेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ। बाकी अब इसको ढक देते हैं, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और डाल दो, नहीं कम लग रहा है मुझे मिर्ची, ओ तो ज़्यादा होना हो गया। ज़्यादा नहीं हो गया वो मिर्ची भाई, बहुत ज़्यादा, थोड़े के चक्कर में ज़्यादा तो नहीं डल गई, चलो कोई नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। और मैं जलाता हूँ अपनी बॉनफायर, कम हो गया भाई, आप बॉनफायर को देखो। बाकी खाना हमारा बन चुका है, मैं इससे बताऊं, मैंने जैसे टॉर्च ऐसे करके गया, ऐसे करके मैंने इधर साइड घुमाया, ऐसा लगी जैसे पीछे वहां पे झाड़ी है, पेड़ है, वहां पे कुछ था, ये देखो आंखें चमकी थी भाई। गाइस इधर ही था जो कुछ चमकी थी, आंखें चमकी थी, दो आंखें थी, पता नहीं क्या था भाई, एकदम से जैसे चमके एकदम लाइट पड़ी ना, चमकी आके एकदम पीछे हट गया, और एकदम झटके से मुझे उधर दोबारा हटना पड़ा। और झाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी है इधर, तो जा भी नहीं सकते, यहाँ पे थोड़ा खुला है अपनी गाड़ी के पास ही सेफ है, दूर जाना भी मतलब पास में जाना अपना रिस्क लेना है भाई, जानकारी से लेना। बाकी अपने साथ एक नया बंदा है भाई, सब्सक्राइबर है, तो रिस्क लेना नहीं है भाई को, तो कैंपिंग कर चुके हैं ये भी, पहले सब्सक्राइबर थे आपको पता है,
तो अब कैंपिंग 4-5 बार हो चुकी है भाई के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओ देख देख ओयो ओ गया भाई था, अब ये पता नहीं भाई क्या था, लेपर्ड था या लोमड़ी था भाई पता नहीं लगा, लेकिन था वहां सामने, ओ वहां पे उधर गया है। भाई कुछ था यस ब्रो, ये पता नहीं लगा क्या था, लेकिन था आंखें चमक रही थी इधर भाई, जब दिख जाता है ना कुछ भाई तो चीजें वहीं सामने दिखती रहती है जब तक दिखे ना। बाकी अलर्ट रहो भाई, ठीक है, डंडा हथियार अपने पास रखो, अपना हथियार कहाँ है आपका, कहाँ है भाई, सामने रखो, ये दिखेगा नहीं टाइम पे, ठीक है ना। बाकी हमने चक्कू यहाँ रखा हुआ है भाई अपना, और अपना सामान सारा, बाकी जो सामान है सारा फिल कर देते रख देते, बाकी जो गाइस जो भी जानवर है वो भी हमारे चारों तरफ घूम रहा है, पास में है, बिल्कुल पास में है, क्योंकि अभी हमारी बोन फायर इतनी जल रही है कि वो नजदीक ना आए, पास में है बिल्कुल। इधर से बार बार आवाज जा रही है बहुत ज़्यादा, दावत खाना खा रहे थे भाई, मैं सामान रखते जो जो अपना है नहीं तो। भी जो एक्स्ट्रा सामान है, जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो भी पैकअप करते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है जंगल में हम आ जाए। बार बार आवाज आ रही है, पता नहीं लग रही भाई किस चीज की है, लेकिन ऊपर दो आंखें दिखी थी, क्या था समझ नहीं आया बट था यार। बाकी सारा सामान रखते हैं, ठीक है, तो पानी निकालो इनमें से, लेकिन तो दोस्तों अपने चावल बन चुके हैं भाई, और फटाफट से इनको उतार लेते हैं और परोस लिया जाए भाई, यस ब्रो, हैं परोस लिया जाए, यस भाई आवाज निकालो यार, हां भाई बिल्कुल, हैं मैं तो आवाज ही नहीं निकल रही, अरे भाई बोले एक बार क्या लेपड़ी की आवाज सुन ली तो आवाज ही बैठ गई है, आवाज ही बैठ गई तुम्हारी, हाँ। क्योंकि देखो नेचर का कोई वो नहीं होता कि कब क्या हो जाए। गाइस तीन जने चार जने ग्रुप कैंपिंग का थोड़ा रिस्क कम रहता है, अगर मैं सी बताऊं मैं सोलो होता या हम दो होते या हम दो होते कोई भी होते तो भाई मैं टेंट के अंदर चला जाता, खाना उठाता ये सीधा टेंट के अंदर ऊपर चला जाता, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं था, बट अब तीन जने हैं तो रिस्क कम लग रहा है, डर कम लग रहा है, अंदर से फील नहीं आ रहा डर वाला, सही बताऊं तो। खाना बन चुका है, खाना खाते हैं, और खाना खाने से पहले चढ़ा देना भी जरूरी है, तो फटाफट से। और जो बोलते हैं ना गाइस कि घर के पीछे कैंपिंग कर रहे हैं, क्यों आरन भाई उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? वो तो फिलहाल कैंपिंग में दिख ही रहा है कि कहां कौन कैंपिंग कर रहा है, कैसे कैंपिंग कर रहा है, तो जज करना छोड़ दो गाइस अभी भी। और आपको पता ही है भाई मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं भाई यूपी नोएडा का रहने वाला हूँ, हाँ। पहाड़ों में आके कैंपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे लिए तो भाई एडवेंचर होता ही होता है, रिस्क भी होता है एडवेंचर भी होता है, बट अब कैंपिंग कर करके इतना वो हो चुका है ना, एक्सपीरियंस आ गया है कि बस कि मतलब लोहा घाट भी आर्यन भाई को अकेले भेज दो तो आर्यन भाई खुशी खुशी में चले जाएंगे, हाँ चलो आर्यन भाई बिल्कुल, क्योंकि लोहा घाट की मेमोरी ऐसी है आपकी। ओहो हो भाई चावल देखो
लोहा घाट की कुछ मेमोरी शेयर करो क्योंकि आप एक्सपीरियंस करके। भाई लोहा घाट गया था मैं, फर्स्ट कैंपिंग जो पहाड़ की हुई थी मेरी लोहा घाट में हुई थी, और भाई रीव हल्की सी रिवर वैली थी, वहीं पे लेपड़ चिकन बनाया था हमने, चिकन टिक्का बनाया था और ग्रेवी चिकन बनाया था हमने, पनीर बनाया था, तीन चीज़ बनाई थी क्योंकि एक बंदा हमारा वेजिटेरियन भी था उस टाइम, मैं चिकन भी खाता था। तो भाई सामने से रिवर पानी पीने आया, जैसे हमारी आवाज़ आई हम जैसे भागे कैप्चर करने, भाई इतने बताओ छू हो गया, कैमरा खोलने से पहले छू हो गया, भाग का पहाड़ी पर पचड़ गया। फर्स्ट टाइम था जब देखा था मैंने वो लेपड़ सामने से, लेकिन ग्रुप में कैंपिंग थी उस टाइम, हम 8-9 बंदे थे, मजा आ गया था कैंपिंग करने में, क्योंकि जो जितनी बड़ा ग्रुप होता है ना उतने ज्यादा मजा आते है भाई कैंपिंग करने में। बाकी अपने राइस बन चुके हैं, ये देखो राइस, बाकी घालते यार। ओहो बोलते ना खुशबू, मतलब खुशबू भी मतलब पूरा यहाँ तक अपनी महक जो होती ना वो राइस। देखो भाई क्या आनंद आएगा भाई खाने में तो, बाकी नीचे चढ़ चुका है ऑलरेडी और चढ़ाएंगे भी क्योंकि चढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो पुराने टाइम ये देखो अपने चावल ये रे, और इनको भाई चढ़ा देते हैं, लो भाई उधर चढ़ा दो, चलो बाकी राइस हमने चढ़ा दिया है क्योंकि जंगल में चावल बनाना है कुछ भी है तो भाई चढ़ाना बनता है, बाकी ये ले भाई ये लो। तो गाइस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये लो भाई, तब था जब मैं चावल खाओ, बाकी छोड़ो चावल खाओ और मुझे बताओ कैसे बने, और बॉनफायर के साथ में बैठ के भी खाएंगे। ये देखो भाई अपने राइस रेडी, नमक कम हो तो ले लेना, ज्यादा हो तो दे देना। चलो कल की ठंड से लगने लगी थी, क्यों भाई? यस भाई, क्योंकि भाई भी हाफ में है, भाई ने तो जैकेट अपनी पहन ही ली और सोचा आपके पास बैठ लेते हैं, आपके पास बैठ के बिल्कुल भी डर नहीं रहता लगता। और खाना खाने का मजा तो आग के पास ही बैठने का, क्यों? बिल्कुल, एक गलती हो गई, हरी मिर्च डाली ना इसमें, मजा आ गया। खाते हैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर यार, आदित्य हार्दिक पूछो कुछ, पूछो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, नहीं फिर भी पूछो कुछ, एक मिनट रुको, हाँ तो नेटवर्क ही नहीं है गाइस, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, वरना मैं आप लोगों के नाम लेने वाला था और नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल जीरो नेटवर्क है बिल्कुल। देखे एक बार फ्लाइट मोड पे लगाया है, अगर कुछ होता है तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ज्यादा गर्म हो गया यार पैर, खाना खाने में मजा आ रहा कुछ भी कहो।
गाइस हमारी वीडियो कैसी लगती है भाई, कमेंट्स करके जरूर बताना एक प्यारा सा। और आज की ग्रुप कैंपिंग कैसी लगी आपको, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके जरूर जाना। लगी थी ना कुछ ऐसी लग रही ना जैसे कुछ चल रहा हो, नहीं खाना खाते यार। अपना डिनर अरेंज करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे लिए। तो दोस्तों अपना डिनर वगैरह पूरा कंप्लीट हो चुका है और कुछ जो हमारा सेटअप था यहाँ पे तो ये सारा गाड़ी के अंदर डाल दिया है। और ये कुछ अपना रूफटॉप टेंट है, इसके आज एक्सपीरियंस लेंगे कि रूफटॉप टेंट कैसा है। और अपनी बॉनफायर है जो हमने बुझा दी है जिससे आग ना फैले, वैसे नहीं फैलती आग क्योंकि यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं गीला गीला घास है। तो चलते हैं अंदर टेंट के, तब मिलते हैं आपको टेंट के अंदर। तो दोस्तों अपने शूज़ निकाल दिए हमने और चलते हैं अंदर क्योंकि आर्यन भाई लोग चले गए हैं, मैं भी चलता हूँ अंदर और फर्स्ट एक्सपीरियंस बताते हैं आपको कैसा लगता है अंदर। अंदर बैठते हैं। तो दोस्तों अपना डिनर वगैरह कंप्लीट हो चुका था और हम आ गए अपने टेंट में। तो ये टेंट कुछ ऐसा है, इसमें वेंटिलेशन के लिए भर भर के दी है स्पेस। और जगह की बात करें तो बथेरी जगह है गाइस, तीन बंदे आराम से सो जाएंगे। और मिलते हैं मॉर्निंग में और कुछ अगर हरकतें होगी नाइट में तो आपको मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर गाइस। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और कुछ सुबह का मौसम ऐसा है। तो ये अपना कार रूफटॉप टेंट था जिसमें हम तीन भाई सोए थे, जिसकी एक्सपीरियंस की बात थी तो घर वाली फीलिंग आ रही थी। इतना भी कोई मतलब सही था, इतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि स्पेस कम थी। तो तीन जने स्पेस कम नहीं थी, 2% टेंट था, तीन जने सो गए तो स्पेस तो कम रहेगी। अरुण भाई बड़े मेरे टेंट की बुराई कर रहा है, कोई नहीं। और अरुण भाई कैसा लगा फिर आपको? भाई अपना तो बिंदास है, मस्त है, मजा आता है। तो हमने रात में ही अपना सेटअप पूरा अंदर डाल दिया था और इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, चैनल में नए हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना। मिलते हैं अगली सी